दोस्तों साल 1919 में एक जगह जो किसी काम की नहीं थी, चारों ओर धूल मिट्टी, गर्मी और पानी तक नहीं था, एक बहुत बड़ा रेगिस्तान जो आज की डेट में एक ऐसी जगह बन चुकी है जिसने दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया है। आइए जानते हैं इस वीडियो में उस शहर की पूरी कहानी। दुबई, द मोस्ट लग्जोरियस प्लेस इन द वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, साल 2003 में दुबई के शेख ने समंदर में द वर्ल्ड प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की, जहां समंदर में 300 आइलैंड बनने जा रहे थे। जिस आइलैंड पे लग्जरी विला, 5-स्टार होटल्स और बीच रिसोर्ट के साथ वह सब कुछ बनने जा रहा था, जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। आज से 30 साल पहले दुबई में सिर्फ एक ही बिल्डिंग थी, जिसको आज दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है। फिर कई साल बाद यहाँ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया जाता है, और जो शहर 100% ऑयल पे जी रहा था, अब वह 1% ऑयल पे डिपेंड रह गया है। यानी दुबई के पास आज वह सब कुछ है, जिसके कारण दुबई आज यहाँ से यहाँ पहुँच गया। 6 जनवरी 2004 को दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी जाती है। साल 2004 तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी ताइपाई 101, जो थी ताइवान में, जिसकी हाइट थी करीब 510 मीटर। लेकिन दुबई में जो वर्ल्ड टॉलेस्ट इमारत बनने जा रही थी, वह अनइमेजिनेबल एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। वह बिल्डिंग इतनी ऊंची बनने जा रही थी कि सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग से 62% ज्यादा ऊंची होगी, क्योंकि अगली बार कोई कंट्री इस इमारत का रिकॉर्ड तोड़ना चाहे तो वह चाकर भी ना तोड़ सके। यह इमारत 829 मीटर ऊंची होगी, और 5.5 साल लगते है इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में। 1 अक्टूबर 2009 को दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन खत्म होती है, और दुबई की इस इमारत ने दुनिया को हैरान करके रख दिया। खलीफा की सक्सेस को देखकर दुनिया के कई देशों ने ऐलान किया कि वह इससे भी ज्यादा ऊंची इमारत बनाएगी, और 13 साल हो गए इस इमारत को बने हुए, लेकिन अभी तक कोई भी बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड बीट नहीं कर पाया है। बहुत सी कंट्रियों ने कोशिश भी करी है, लेकिन सारे प्लान फ्लॉप रहे हैं। बुर्ज खलीफा इतनी लंबी बिल्डिंग है दोस्तों कि अगर आप इसके ऊपर से नीचे तक छलांग लगाओगे तो आपको 13 सेकंड लगेंगे नीचे आने में। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में $1.5 बिलियन का खर्चा हुआ था, और 12,000 से ज्यादा वर्कर्स लगे, जो कि 100 अलग अलग कंट्री से आए थे। जिस पर्पस से इस बिल्डिंग को बनाया गया था, वह पर्पस काफी सक्सेसफुल रहा। आज के दिन दुबई एक बहुत बड़ा टूरिज्म प्लेस के साथ इकोनॉमिक हब भी बन चुका है। बहुत सारी कंपनीज अपनी ऑफिस दुबई आकर खोलना चाहती है, लोग आकर दुबई में रहना चाहते हैं, और प्रॉपर्टीज की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों दुबई में प्लाम जुमेरिया की कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों से चल रहा था। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लाम ट्री शेप का आइलैंड बनने जा रहा था, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। 5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ ये इंजीनियरिंग का ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। इंजीनियर्स को इस प्रोजेक्ट में समंदर की लहरों से मुकाबला करके उस पर आइलैंड बनाना है। दुबई में 5 किलोमीटर में फैला सबसे अनोखा आइलैंड जो दुनिया ने कभी नहीं देखा था। इस पूरे आइलैंड को बनाने में 900 अरब रुपए का खर्चा हुआ था। सनलाइट से चमकते ब्लू पानी के बीच बसा यह आइलैंड दुनिया भर के लोगों का अटेंशन अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यह एक फिनोनिमल और वंडरफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अलग अलग देशों से बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। प्लाम जुमेरा आइलैंड के प्रोजेक्ट में काम करने वाले सिविल इंजीनियर अली मंसूर का कहना है कि यह अपने आप में पहला और अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट था। और अली मंसूर साल 1998 में एक कंसल्टेंसी फर्म के साथ काम करने के लिए कनाडा से दुबई आए थे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।